हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में दो कंपनी से रिलेटेड बातें करेंगे, जो ऑक्सीजन की सप्लाई से रिलेटेड इक्विपमेंट एज वेल एज बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर से रिलेटेड कंपनी काम करती है और बहुत अच्छी कंपनी अच्छा खासा भागती हुई नजर आ रही है। तो आप लोगों को मैं इस कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, उनके फाइनेंशियल और उसके कुछ फंडामेंटल्स देखते हुए नजर आएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज अभी एक वीडियो बनाई है जिसमें FIIs अपनी उन्होंने ऑलरेडी बढ़ा ली है और इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे ये शेयर चल रहे हैं, तो इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा गेन आपको मिलता हुआ नजर आएगा, बहुत अच्छे रिटर्न आपको 300-400 रुपए के जो आपको इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे चल रहा है आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट इससे पहले एक और चीज, अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो यहां पर क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई भी चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। एज वेल एज बात करें एक और लिंक है यहां पर, श्रीराम जी अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहां पर क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी दान दे सकते हैं और दान देना एक पुण्य का काम होता है। तो आइए वीडियो की तरफ। तो जिन शेयरों से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, दो पर्टिकुलर शेयर है। सबसे पहले जिसकी शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं उसका नाम है LG इक्विपमेंट। ओके, LG इक्विपमेंट करती क्या है उसके बारे में हम देखेंगे, बट एक बार इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। फाइव डेज का अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए अच्छा खासी यहाँ पर जंप देखी गई है। सिक्स मंथ का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए आपके पैसों को डबल कर दिया है। वन ईयर का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 50 रुपये के लगभग, 60 रुपये के लगभग शेयर चलता था, आपके पैसों को कितना 3-4 गुना कर दिया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, बड़ी गिरावट आती है और बड़ी तेज भागता भी है यहां पर आप देख सकते हैं, और ऑल टाइम हाई पे अभी चल रहा है, अपनी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। और अगर बात करें आज की डेट का परफॉर्मेंस की तो यहां पर आप देख सकते हैं लगभग यहां पर आप देख सकते हैं 38% लगभग 6,17,000 शेयर यहां उठाए गए। 61 रुपए का 52 वीक लो है और 243 रुपए का यहां पर 52 वीक हाई हमें देता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दूसरी कंपनी से रिलेटेड बात करने वाले एवरेस्ट कांटो सिलेंडर, तो ये भी एक ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी हमें नजर आ रही है। इसके अलावा देखिए 5 डेज चार्ट पैटर्न पॉजिटिव चार्ट पैटर्न है, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए और भी पॉजिटिव है। 20-27 रुपए का शेयर चलता था और आज के डेट में 110 रुपए। एज वेल एज बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, बहुत ऊपर तक गया, फिर उसके बाद बहुत पुराना शेयर भी है और फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली गिरावट, बट ये जो पर्टिकुलर पीरियड है इस कंपनी के लिए अच्छा खासा साबित हुआ है। जैसे फार्मा की कंपनी भागी जा रही है, इसी तरीके से ये कंपनीज भी भागी जा रही है और अपना अच्छा खासा रिजल्ट पेश करती हुई नजर आ रही है। तो इन्हीं से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। और आज की डेट में अगर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं 12 रुपए का शेयर हुआ करता था एक साल पहले 26 मई को। अगर बात करें 110 रुपए का अभी 20 तो आज के दिन ही इसने ऑल टाइम हाई भी लगाया है, तो इस चीज को याद रखिएगा, मतलब आपके पैसों को कितना कर दिया, 11 गुना ज्यादा कर दिया है, तो इस बात को याद रखिएगा। 33,70,000 शेयर लगभग उठाए गए हैं, 27% की डिलीवरी। और बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं LG इक्विपमेंट जो पहली कंपनी थी, कंपनी करती क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी ये वेबसाइट है। अगर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, सीधे प्रोडक्ट्स भी रहेंगे तो प्रोडक्ट्स यहाँ देख लीजिए, एयर कंप्रेशर्स, ओके, जो कि आपको ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए, सिंपल आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं LG इक्विपमेंट इज कम्प्लीटली कंप्रेस एयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर 400+ एयर कंप्रेसर प्रोडक्ट सूट योर रिक्वायरमेंट्स। ओके, सारे के सारे अगर बात की जाए ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है तो ये कंपनी भागती हुई हमें नज़र आती है। ओके, जिस किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोविड के केसेस बढ़ रहे तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन की भी जरूरत होगी, और ऑक्सीजन किससे सप्लाई होगी, उनके प्रोडक्ट से। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक ऑक्सीजन देने वाली कंपनी, ऑक्सीजन के सिलेंडर रखने वाली कंपनी, एज वेल एज ऑक्सीजन के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, एज वेल एज बात करें मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल फार्मास्यूटिकल एग्रीकल्चर माइनिंग, तो मल्टी इसका डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस नजर आता है। तो यहां पर आप इनकी एक बार वेबसाइट पर चले जाइएगा और यहां पर इनकी वेबसाइट पर जाके अलग अलग यहां पर देख लीजिएगा इनके प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, तो आपको पता चल जाएगा सब चीज। मेडिकल एयर कंप्रेसर से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चूज किया है। मार्केट कैपिटल की बात करें स्मॉल कैप कंपनी है, 7,115 करोड़ रुपए की कंपनी है। ROCE की बात करें 7% की ROCE है और 56% का यहाँ पर डेट है, तो इसी सब चीज़ों को यहाँ पर देखना होगा। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 612 का इंट्रेंसिक वैल्यू और 224 की कंपनी चल रही है, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू से लगभग 3 गुना कंपनी नीचे चलती हुई हमें नजर आ रही है। सॉरी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और भी चीज़ों की,
तो यहाँ पर सेल्स देख लीजिए, क्वार्टरली सेल्स, तो यहाँ पर क्वार्टरली सेल्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीच में यहाँ पर गिरावट हो गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर कोरोना आया था, तो शायद यहाँ पर ये कंपनी भागती हुई नजर नहीं आई होगी, बट दोबारा उसने पीक बना लिया है और अच्छा खासा यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिवेन्यू इसी टाइम का हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 27 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर 35 करोड़ के प्रॉफिट पर चेंज होता हुआ नजर आया है। ईयरली यहाँ पर बात करें ईयरली बेसिस पर तो 10 साल पहले 551 करोड़ की सेल्स थी, आज की डेट में लगभग 1700-1800 करोड़ की सेल्स में तब्दील हो चुकी है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 41 करोड़ का प्रॉफिट आज की डेट में 60 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो गया है। रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए 758 करोड़ के रिजर्व्स है, कंपनी के पास अच्छा खासा डेट है, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा, 443 करोड़ रुपये के। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, 18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और कैश इक्विवेलेंट की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर चल लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास लगभग 180 करोड़ रुपये का है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, 31% की यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है, FIIs 22% की हिस्सेदारी रखते हैं, DIIs लगभग 10% की, पब्लिक के पास लगभग 35% की हिस्सेदारी हमें नजर आती है, और 35% में भी यहाँ पर देख लीजिए 5% की एक जगह है, 2% की एक जगह, अलग अलग यहाँ पर हमें हिस्सेदारी नजर आती है। इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। और इसके अलावा बताना चाहता हूँ कंपनी का चार्ट पैटर्न ही तो बेशक से पॉजिटिव हमें नजर आता है, बट कंपनी में बहुत सारा ऊपर नीचे आपको वॉलेटिलिटी नजर आएगी। अगर आप वॉलेटिलिटी को ध्यान में रख सकते हैं तो इस कंपनी की तरफ जा सकते हैं। ओके, अगर इस चीज़ को आप झेल सकते हैं, झेलना क्या कहते हैं, इन द सेंस अगर आप वॉलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हैं कि आज की डेट में आपने शेयर खरीदा और कल की डेट में नीचे आ गया, तो आप उस चीज़ को अगर टॉलरेट कर सकते हैं तो ये कंपनी आपको लिए अच्छा खासी साबित हो सकती है। बाकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, काफ़ी नीचे चल रही है, तो इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिएगा। बाकी दूसरी कंपनी जिससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं वो है एवरेस्ट कांतोर सिलेंडर लिमिटेड। तो ये कंपनी क्या करती है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको पता ही चल रहा है सिलेंडर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। ओके, तो यहाँ पर आप इनके प्रोडक्ट CNG स्टील सिलेंडर्स ही बनाती है ये कंपनी, ऑक्सीजन यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रीदिंग एयर सिलेंडर्स। तो यहाँ पर जब सिलेंडर से रिलेटेड कंपनी काम कर रही है और सिलेंडर्स की जरूरत किस में होती है, ऑक्सीजन में जरूर, ऑक्सीजन किस में बढ़ जाते हैं सिलेंडर में, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न, यहाँ पर इनकी बिकवाली ज़्यादा हो रही है, अच्छे खासे भागते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी CNG के यहाँ पर सिलेंडर लगते हुए आपको नजर आते हैं, तो ये कंपनी इसी वजह से यहाँ पर भागती हुई नजर आ रही है। और अगर हम यहाँ पर इसके भी फाइनेंशियल्स थोड़े से देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, ROC 6% की, और डेट इसमें 35% का डेट है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। और इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें 151 रुपये की इंट्रेंसिक वैल्यू है, और 92 रुपीज़ पे लगभग 100 से ऊपर का ये शेयर चल रहा है। तो हर चीज़ को आपको काउंट करना है, बट इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे चल रही है, तो इस चीज़ को भी आपको देखना है, आपको फेयर प्राइस पे आई थिंक ये कंपनी आपको मिल रही है। सेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 155 करोड़ के सेल्स विद इन 2 ईयर 247 करोड़ के सेल्स में तब्दील हो चुके हैं, जो कि कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। बीच में गिरावट भी है बट थोड़ी बहुत। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 20 करोड़ का प्रॉफिट आज के डेट में 50 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है। और सेल्स की ईयरली बेस पे बात करें तो सेल्स लगभग सेम ही है, बीच में गिरावट होती नजर आई थी, बट ये सिचुएशन इनके फेवर में है, तो इस वजह से यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर सेल्स होती हुई नजर आई है। नेट प्रॉफिट भी उसी हिसाब से यहाँ पर घटता बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है, क्योंकि फेवरेबल है कंडीशंस, तो इस वजह से यहाँ पर कंपनी भागती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें बैलेंस शीट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं रिजर्व्स 549 करोड़ के रिजर्व्स हैं, कंपनी 202 करोड़ की बोरिंग रखती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, और अगर बात करते हैं यहां पर कंपनी के कैश इक्विवेलेंट की, तो लगभग 27 करोड़ रुपए का कैश भी है। और यहां पर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 67% के यहां पर शेयर प्रमोटर्स के पास है, बाकी FIIs की हिस्सेदारी ना के बराबर है, DIIs की हिस्सेदारी ना के बराबर है, और पब्लिक की हिस्सेदारी बताए तो लगभग 32% की हिस्सेदारी पब्लिक की है यहां पर। तो पब्लिक और प्रमोटर्स के पास ही शेयर है, और ये स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं बल्कि। तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले हम हर चीज को आपको देखना होगा कि आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है इन कंपनियों में, और ये कंपनी तब तक फेवरेबल मुझे लग रही है जब तक ये कोविड का पीरियड चल रहा है, जब तक ये सारे इशू चल रहे हैं तब तक ये कंपनी आपको और भी अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है, बाकी इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे चली रही है। तो इन सभी चीज को देखते हुए आपको लगता है कि सिलेंडर का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ऑब्वियसली बात है आप जा सकते
सकते हैं, बट फ्यूचर में जैसे जैसे गैस की पाइपलाइनें आ रही है तो वो सिलेंडर ख़त्म हो रहे हैं, एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी कार आ जाएगी तो सीएनजी के सिलेंडर वो वाले ख़त्म हो जाएंगे, ओके, एज वेल एज बात की जाए बस फिर हॉस्पिटलों में जो सिलेंडर्स होते हैं ओके उसी में वो काम किया जाएगा, और हॉस्पिटलों में भी अगर इस तरीके की पाइपलाइन आ गई तो फिर इनका काम ख़त्म हो सकता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं, बस शॉर्ट टर्म के लिए आपको अच्छा खासा गेन दे सकते हैं। और बाकी कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से यहाँ पर कंसल्ट करिए, अपनी खुद की स्टडी करिए। तो दो कंपनी थी एलजी, तो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, ये कंपनी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे इससे रिलेटेड। बाकी वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर करिए, बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।